फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू कैड स्टाइलर्स सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अगेन लॉफ्ट और बाउंड्री कमांड की, बट इसमें हम आज लॉफ्ट और बाउंड्री बॉस करेंगे, साथ में हम लॉफ्ट कट और बाउंड्री कट भी करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से आज एक हम वाइन ग्लास बनाएंगे। तो किस तरह से बनाते हैं आइए देखते हैं। कंट्रोल एन करेंगे, न्यू ड्रॉइंग ओपन करेंगे और फ्रंट प्लेन ओपन करेंगे, इसे स्केचिंग मोड में ऑन कर लेंगे। एक सर्कल लेंगे जिसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी रहेगी, 70 mm। ओके, देन एक और प्लेन चाहिए हमें, सो फ्रंट प्लेन यूज करेंगे और अगेन रेफरेंस पे प्लेन सिलेक्ट करेंगे। और इस टाइम जो मुझे प्लेन चाहिए वो कम डिस्टेंस पे चाहिए, लाइक 5 mm पे। और यहां पे मैं एक सर्कल बनाऊंगा, जिसकी डायमेंशन होगी मेरे पास 67 mm। ओके, देन अगेन एक और प्लेन लेंगे, और इस टाइम मैं प्लेन को रखूंगा 8 mm पे। मेरे को जो सेकंड प्लेन से डिस्टेंस ये 3 mm पे चाहिए, सो यहां पे मैं एक स्केच और बना लेता हूं और इस सर्कल का डिस्टेंस कितना होगा, 10 mm। सो मेरे पास ये तीन सर्कल बन गए हैं। देन अगेन मुझे इस प्लेन के रेफरेंस से एक और प्लेन चाहिए 100 mm के डिस्टेंस पे, इस तरह से। सो यहां पे भी सेम मेरा 10 mm का ही सर्कल लगेगा। इस तरह से ओके कर दीजिए इसे। देन अगेन मुझे अब क्या करना है, इस प्लेन के रेफरेंस से एक और प्लेन चाहिए, डिस्टेंस उठना है उसका अगेन 3 mm। और इस प्लेन पे मुझे एक सर्कल बनाना है जिसका डाया मेरे पास रहेगा 65 mm। अगेन इस प्लेन से मुझे एक और प्लेन चाहिए और यहां पे इस टाइम मैं डिस्टेंस रखूंगा इसका 80 mm। और इस प्लेन पे भी एक स्केच बना लेंगे और इस टाइम सर्कल का डाया होगा मेरे पास 63 mm। ओके, तो आप देख सकते हैं काफी सारे प्लेन्स मेरे बन गए हैं और इन सभी को मैं वन बाय वन लॉफ्ट करूंगा। ठीक है, तो लॉफ्ट और बाउंड्री के बीच में मैंने डिफरेंस आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, और जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं वन बाय वन सभी प्लेन्स को हाइड कर देता हूं ताकि मेरे को जो स्केचेस हैं वो इजीली दिख जाएं। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो 3 स्केचेस आ रहे हैं इन सभी को मैं वन बाय वन लॉफ्ट कर दूंगा। सो इस तरह से आपके पास ये बेस क्रिएट हो जाएगा। देन मैं क्या करूंगा, इनको और इनको मैं ज्वाइन करूंगा। सो अगेन लॉफ्ट यूज करेंगे और इस स्केच को हम लॉफ्ट करेंगे, तो ये आपके पास हैंडल बन जाएगा। ओके, देन अब अगेन मुझे लॉफ्ट यूज करना है और मुझे अब कप बनाना है इसका। सो इस तरह से आपके पास ये कप बन जाएगा और यहां पे आप एजेस में इसके फिलेट दे सकते हैं। सो डिफॉल्ट 10 mm की आ रही है, आप 10 mm ही रख सकते हैं। सो इस एज को भी आप फिलेट कर सकते हैं। सो अगेन फिलेट को एडिट कर लीजिए और यहां पे आपने एक एज और सिलेक्ट कर लेनी है, तो सेम ही फिलेट का रेडियस आप रख लीजिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपका ये ग्लास तो रेडी हो गया है, बट अभी ये मेरा सॉलिड कंडीशन में है, मुझे यहां से खाली चाहिए। ठीक है ना, ओपन चाहिए मुझे।
सो उसके लिए क्या करेंगे, अभी हम लॉफ्ट कट यूज करेंगे। ओके सो लॉफ्ट कट किस तरह से यूज करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम शेल भी यूज कर सकते हैं, बट शेल क्या करेगा, इस जो ये मेरा हैंडल है इसे भी खाली कर देगा, ठीक है, जो मुझे नहीं चाहिए। जो हैंडल रहेगा वो आपका सॉलिड रहेगा, ठीक है, मुझे जो होलो चाहिए वो यही सरफेस तक चाहिए, ठीक है, जो मेरा ये कप आ रहा है इसी कप तक मुझे ये होलो चाहिए, मुझे सारी बॉडी पे होलो नहीं चाहिए। सो इस वजह से मैं यहाँ पे लॉफ्ट कट यूज करूंगा। सो प्लेन ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक सर्कल लगा लूंगा, इसे आप कन्वर्ट एंटिटीज कर दीजिए और इसके बाद आप इसमें ऑफसेट कर सकते हैं, 2 mm की थिकनेस रख सकते हैं आप। अगर मैं शेल भी करूंगा तो इसे 2 mm की थिकनेस रखूंगा, सो उसी अकॉर्डिंग आप इसे ऑफसेट 2 mm कर सकते हैं, और जो आपको स्केच नहीं चाहिए उसे आप ट्रिम भी कर सकते हैं। सो आपके पास एक स्केच ये हो जाएगा, अगेन आपके पास ये प्लेन आ जाएगा और इस प्लेन पे आपने एक और स्केच क्रिएट करना है। सो यहाँ पे भी एक सर्कल लगा लेते हैं जिसका हमने डाया फर्स्ट कितना रखा था, 65 रखा था। सो 65 का डाया आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, और इसे हम यहाँ पे ऑफसेट कर लेंगे 2 mm। ओके देन यहाँ पे ट्रिम कर देंगे इसे जो हमें नहीं चाहिए। सो इसी प्लेन के रेफरेंस से एक और प्लेन बनाएंगे जिसमें हमें एक और सर्कल चाहिए। सो इसका डिस्टेंस हम यहाँ पे 2 mm रख लेते हैं, या हम यहाँ पे 3 mm रख लेते हैं। सो इतना काफी रहेगा, डायरेक्शन इसकी अपवर्ड हो गई है, इसे हम एडिट करेंगे और इसकी डायरेक्शन हमें डाउनवर्ड चाहिए। सो फ्लिप टू द सेकंड डायरेक्शन, तो आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, हमें यहाँ पे एक सर्कल और चाहिए। सो इसे स्केच किए और यहाँ पे एक सर्कल और क्रिएट कीजिए जिसका आपके पास रेडियस कितना रहेगा, 5, और डाया कितना रहेगा, 10 mm का। सो इसे भी आप ऑफसेट कर दीजिए 2 mm इनसाइड, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्केचेस आ रहे हैं उसे ट्रिम कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्केचेस आ गए हैं लॉफ्ट कट के लिए, तो अभी हम यहाँ पे लॉफ्ट कट यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको सिर्फ लॉफ्ट ही करवा रहा हूँ, बाउंड्री नहीं करवा रहा, बिकॉज मैंने पिछली वीडियो में आपको लॉफ्ट और बाउंड्री में बहुत अच्छे से इसका डिफरेंस समझा दिया था। ओके सो पिछली वीडियो मैंने आपको लॉफ्ट कट नहीं बताया था, बाउंड्री कट नहीं बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको लॉफ्ट कट बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉफ्ट कट ही यूज करूंगा। सो इस तरह से आपने इस स्केच को सिलेक्ट करना है, सेकेंड आपके पास ये स्केच आ जाएगा, अब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, और थर्ड मेरे पास ये स्केच आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका ये जो ग्लास है लॉफ्ट कट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप बाउंड्री कट भी यूज कर सकते हैं, और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, जिनको बाउंड्री कट यूज नहीं करना आता है, वो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है बाउंड्री किस तरह से यूज करते हैं और लॉफ्ट किस तरह से यूज करते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे लॉफ्ट बॉस और बाउंड्री बॉस आ रहा है, उसी तरह से लॉफ्ट कट और बाउंड्री कट भी है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि ये कट है और ये बॉस है, यहाँ पे एक्सट्रूड होगा और यहाँ पे कटिंग होगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कट करके दिखाया, उसी तरह से बाउंड्री में भी कट हो जाएगा आपका। ओके सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, लॉफ्ट और कट में क्या डिफरेंस होता है, कट हम किस तरह से यूज करते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।